Assalamualaikum, this is again Sarmohsin Azam Khan, your CFA instructor. और आज का मेरा सवाल बहुत importance रखता है. मुझसे काफी students ये पूछते भी हैं कि why CFA after university graduation? क्यों CFA बहुत जरूरी है आपके लिए? जो भी university graduates ये बात सुन रहे हैं, जो graduation के अमल में है या they are graduating right now or they are in the third year of the graduation, CFA qualification क्यों आपकी life में, आपकी careers में बहुत important part play कर सकती है? देखिए, सबसे नंबर वन रीजन इज दैट CFA क्वालिफिकेशन गिव्स यू रिकॉग्निशन, स्पेशली इन पाकिस्तान और इवन इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज. बहुत से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटी से MBAs या BBAs नहीं कर रहे होते, तो जैसे वो मार्केट में जाते हैं उनकी वो रिकॉग्निशन नहीं उनको मिलती है जो बनिस्बत एक अच्छी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट पास आउट होता है. अब उन स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? एक रिकॉग्निशन चाहिए कि मार्केट उनको पहचाने कि हाँ, इसके पास कुछ है. फॉर दैट CFA इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप CFA में एंटर होते हो, CFA की ग्लोबल रिकॉग्निशन है. ना सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट्स आपको समझेंगी बल्कि इवन इंटरनेशनल मार्केट्स भी आपके लिए अच्छे से खुलेगी. तो आपको क्या फायदा हुआ, भले आप एक लो रैंक यूनिवर्सिटी से भी आपने बैचलर्स कर रहे हो या कंप्लीशन की तरफ हो, अगर आपने साथ साथ CFA का लेवल 1 भी पास किया तो आपकी CV की रिकॉग्निशन क्या हो जाएगी, ब्रॉडन हो जाएगी, काफी खुल जाएगी. नंबर टू रीजन, CFA में अभी तक सैचुरेशन नहीं है. सैचुरेशन का मतलब एक क्राउड बहुत ज्यादा आके भर चुका है. नहीं, CFA के एग्जाम्स ही इस तरह से डिजाइन होते हैं कि एक गुड हार्ड वर्कर, एक क्रेडिबल और एक अच्छे कॉन्सेप्ट को जो अच्छा समझता हो वो ही पास करता है उस एग्जाम को. कोई ऐसा पास नहीं कर सकता उस एग्जाम को जो आराम से आगे अपने सिर्फ एक रट्टा लगाया और आगे बढ़ गया. नहीं, उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए वो पास करते हैं एग्जाम को. तो इस वजह से CFA की सैचुरेशन इतनी हाई नहीं है, मतलब इतना ज्यादा क्राउड नहीं है. वेयर एज मैं जब BBS में देखता हूँ या MBS में देखता हूँ, सैचुरेशन पॉइंट्स बहुत हाई हैं. तो ये भी एक फायदा है कि ये इनके सैचुरेटेड नहीं है तो आप इसको भी साथ साथ कर सकते हो. जब कोई चीज सैचुरेटेड नहीं होती, वो लुक्रेटिव बहुत होती है, उसके रिवॉर्ड्स बहुत हाई होते हैं. तो जैसे आप मार्केट में जाओगे आपको सैलरीज भी अच्छी ऑफर्ड होंगी. वेयर एज इन कंपेरिजन दोज यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, क्योंकि इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं डिमांडिंग फॉर जॉब्स, तो आपको स्टार्टिंग वेज, स्टार्टिंग सैलरी इतनी अच्छी नहीं मिलती है. और इवन आफ्टर ग्रोइंग फॉर 3 years, 3 साल के बाद भी आप इतना ग्रो नहीं कर पाते. तो ये एक रीजन है बिकॉज मैं CFA क्वालिफिकेशन लगभग 6 से 7 साल से पढ़ा रहा हूं. मेरे पास इंजीनियर्स भी CFA करने आए हैं, मेरे पास डॉक्टर्स भी CFA करने आए हैं, मेरे पास ACCs भी CFA करने आए, मेरे पास CS भी आए, मेरे पास बहुत बड़ा क्राउड जो आता है यूनिवर्सिटी से आता है CFA करने, भले वो BBA का हो, अकाउंटेंसी का हो, मार्केटिंग का हो, HR का हो. क्यों आता है? क्योंकि CFA लुक्रेटिव है, अच्छा पैसा इन्वॉल्व है. CFA में आप अच्छे स्किल्स, हाई स्किल्स सीखते हो, टेक्निकल स्किल्स सीखते हो और आपको फिर मार्केट में फायदा होता है. नेक्स्ट रीजन इज दैट, देखो जब आप यूनिवर्सिटी करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, वो जनरलाइज क्वालिफिकेशन है. ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे कोई डॉक्टर होता है, पहले MBBS करता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन करता है, साइकेट्री में कर सकता है, ऑर्थोपेडिक्स में कर सकता है, सर्जन बन सकता है. इसी तरीके से जब आपने अपनी BBA किया या आपने कोई ग्रेजुएशन कर ली तो आपके पास जनरलाइज क्वालिफिकेशन तो आ गई है. बट अगर आपको मार्केट में अच्छे पैसे कमाने या मार्केट में ग्रो करना है, आपको उस मार्केट के लिए स्पेशलाइजेशन भी करनी है. और CFA एक स्पेशलाइज फील्ड है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो ये एक स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन भी है साथ साथ. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि हाँ, CFA की अपने हर लेवल की अपनी वैल्यू है. जैसे यूनिवर्सिटी में होता है ना कि आप जब तक पूरा कोर्स या पूरी डिग्री कंप्लीट ना कर लो उसकी वो वैल्यू नहीं मिलती मार्केट में. इसके अंदर लेवल 1 की अपनी वैल्यू, उसकी अपनी सैलरी आपको ऑब्टेन होती है. फिर जैसे आप लेवल 2 कंप्लीट करते हो उसकी अपनी वैल्यू है मार्केट में. फिर जैसे आप लेवल 3 कंप्लीट करते हो उसकी अपनी वैल्यू है मार्केट में. उसके साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, ऐसा नहीं जैसे अमूमन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स में होता है कि आपने फिक्स स्केड्यूल फॉलो करना है, आपको इतने कोर्स या क्रेडिट आवर्स उठाने. इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने हिसाब से एग्जाम दो, साथ साथ जॉब भी कर सकते हो. जैसे मेरा पूरा इन डिटेल ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, आई हैव यू नो वास्ट स्टूडेंट्स राइट नाउ एनरोल्ड इन माय प्रोग्राम. तो कोई जॉब्स कर रहा है, कोई बाहर है, कोई यहाँ आप वेकेशन पे जा रहे हो, आ रहे हो, बहुत फ्लेक्सिबल है ये, कोई बाउंड्रीज नहीं खींच देता आपके लिए. तो ये कुछ हाई लेवल पॉइंट्स है स्पेशली फॉर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के CFA एग्जामिनेशन या CFA प्रोग्राम आपके लिए क्यों बहुत अच्छा हो सकता है. साथ साथ
सीएफए प्रोग्राम की कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं है। यकीन माने हमारी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज जो है यहाँ पे पाकिस्तान पे, उनसे आधी कॉस्ट होगी आपके पूरे सीएफए की। और इन केस किसी को पैसों की इश्यू भी होता है, सीएफए स्कॉलरशिप ही प्रोवाइड करता है, तो वहां भी आपको फायदा आएगा। होप ये वीडियो अच्छी लगी हो। कोई और भी सवाल हो आप मुझे जरूर अप्रोच कर सकते हो। थैंक यू।